नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण लोगों के बीच भय की स्थिति बनी हुई है। लगातार अफवाहें फैल रही है कोरोना से जुड़ी हुई, तो वहीं लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है। लगातार अफवाहों पर लोग यकीन कर रहे हैं, जिसके वजह से वे बेहद भयभीत होते जा रहे हैं। और अब इसी बीच ट्विटर ने भी पहल शुरू की है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार फेक न्यूज़ ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए अब ट्विटर बेहद सख्त हो गया है। कई सारे ट्वीट्स को ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार यह फेक न्यूज़ चल रहा है, उसके कारण लोग ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं। कोरोना को लेकर कई तरह के अफवाहें फैल रही है, जिसके बाद से अब ट्विटर सख्त होता दिख रहा है। आपको बता दें कि ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे ट्वीट डिलीट किए हैं, जिनके जरिए कोरोना पर भ्रम फैलाई जा रही है। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया है, तो वहीं सरकार ने कहा है कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ये एक्शन लिया गया है, इसलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही थी। तो वहीं ट्विटर ने बताया कि सरकार ने कई ट्वीट्स को लेकर आपत्ति जताई हुई थी और कहा था कि कुछ लोग इसके जरिए फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इनमें मीडिया नामा, कांग्रेस के लोकसभा सांसद रेवंत रेड्डी, बंगाल के मंत्री मोलोय घाटक, एक्टर विनीत कुमार सिंह और दो फिल्म मेकर्स के ट्वीट भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ट्विटर ने जानकारी दी है कि हम कोरोना पर गलत जानकारियों को हैंडल कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रोडक्ट टेलीविजनों और ह्यूमन रिव्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी, ये हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं सरकार ने ट्विटर के एक्शन पर कहा है कि इन अकाउंट्स पर एक्शन इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वो सरकार की कोविड के हालात को नियंत्रित करने की शैली की आलोचना कर रहे थे, बल्कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ये पुरानी तस्वीरों और गलत खबरों के जरिए जनता में अफवाहें और डर फैला रहे थे। सरकार ने कहा कि कई ट्विटर हैंडल 24 घंटे सरकार की आलोचना कर रहे हैं, पर हमने इन्हें ब्लॉक करने के लिए ट्विटर से नहीं कहा है। तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि ट्विटर का यह खुद का निर्णय है। सरकार का किसी भी तरह का दबाव ट्विटर के ऊपर नहीं है। जिस तरह से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है, उसे लेकर ट्विटर ने खुद यह कदम उठाया है, जिसके जरिए कई सारे मंत्रियों ने भी जो अफवाह की खबरें डाली थी, उन्हें ट्विटर ने डिलीट कर दिया है। इसके साथ साथ एक्टर्स या फिर आम जनता के द्वारा भी कई सारे ऐसे फेक न्यूज़ ट्विटर पर डाले जाते हैं, जिसे अब लगातार ट्विटर के द्वारा चेक किया जा रहा है। और अगर किसी भी तरह की अफवाहें पाई जा रही है, तो उसे ट्विटर उसी वक्त डिलीट कर दे रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त यह बेहद ज़रूरी है कि हम अफवाहों से बचकर रहें। सरकार के द्वारा भी यह लगातार अपील की जा रही है कि जनता अफवाहों से बचे, लेकिन जिस तरह से लगातार फेक न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, उसे लेकर अब ट्विटर बेहद सख्त होता दिख रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।